वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीसीए फर्स्ट ईयर का पीसी सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया। इसका हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 5 एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। मैं मनोज कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इसमें कि एनिमेशन क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का सिंपल एक डेफिनेशन है, मल्टीमीडिया इज द फील्ड कॉन्सर्न विद द कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग, स्टिल एंड मूविंग इमेजेस और ऑल्सो वी कैन से वीडियो, एनिमेशंस, ऑडियो एंड एनी अदर मीडिया वेयर एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, स्टोर्ड, ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस डिजिटली। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया जो है एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के द्वारा टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग, इमेजेस और वीडियो को मिलाकर एक ऐसा मीडिया तैयार करते हैं जिससे हमको अपना इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने या स्टोर करने की फैसिलिटी प्राप्त होती है। मल्टीमीडिया के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में भी देखा हुआ है। सबसे पहले जैसे इसमें आता है इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट में हम लोग कह सकते हैं मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस एम्ड एट डाइवर्टिंग यूजर्स, इंगेजिंग देम इन अमेजिंग एक्सपीरियंस सच एज रीडिंग ए बुक, लिसनिंग टू म्यूजिक, इंजॉइंग वीडियोस एंड प्लेइंग ए गेम। मल्टीमीडिया इज हैविली यूज्ड इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, स्पेशली टू डेवलप स्पेशल इफेक्ट इन मूवीज एंड एनिमेशंस। ठीक, तो एनी इंटरटेनमेंट में हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मली हम लोग अपने बुक को ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हम लोग उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो वो भी एक मल्टीमीडिया का ही एक फॉर्म है जो हम लोगों का एंटरटेनमेंट के रूप में मिलता है। तो इसमें हम लोग अपने टेक्स्ट बुक देखते हैं, इसमें बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं। म्यूजिक जो हम लोग सुनते हैं वो भी एक एनिमेशन है। जो वीडियोस हम लोग देखते हैं नॉर्मली यूट्यूब में जो हम लोग देख रहे हैं वो सब भी एक एनिमेशन के थ्रू ही हम लोगों को देख मल्टीमीडिया के थ्रू ही देखने को मिलता है। और मल्टीमीडिया या एनिमेशन का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं वो है गेम्स। तो आजकल आप सभी ने देखा होगा कि बड़े बड़े गेम्स होते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं, तो वो सब मल्टीमीडिया के थ्रू ही पॉसिबल है। इसका जो सेकेंड एप्लीकेशन है मल्टीमीडिया का वो होता है इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो इंजीनियरिंग में, इन इंजीनियरिंग स्पेशली इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मल्टीमीडिया इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ए मशीन और एन ऑटोमोबाइल। दिस लेट्स एन इंजीनियर व्यू ए प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस प्रोस्पेक्टिव्स, जूम इन ऑन क्रिटिकल पार्ट्स एंड डू अदर मैनिपुलेशंस बिफोर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इट। दिस इज नोन एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन और वी कैन से कैड और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAE। तो इंजीनियरिंग के फील्ड में भी हम लोगों ने मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन देखे हुए हैं, जैसे कि स्पेशली हम लोगों ने देखा कि मशीन डिजाइनिंग में, तो मशीन को सीधा हम लोग मशीन को बनाना नहीं शुरू करते, उसके पहले उसके डिजाइन बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग 3D एप्लीकेशंस यूज करते हैं कि एक्चुअल में जब मशीन बनेगा तो वो कैसा दिखाई देगा, उसके एक एक पार्ट्स कैसे दिखाई देंगे। नेक्स्ट है मेडिसिन। इन मेडिसिन डॉक्टर कैन गेट ट्रेन बाय लुकिंग एट ए विजुअल वर्चुअल सर्जरी और दे कैन सिमुलेट हाउ द ह्यूमन बॉडी इज इफेक्टेड बाय डिसीज स्प्रेड बाय वायरस एंड बैक्टीरिया एंड देन डेवलप टेक्निक टू प्रिवेंट इट। ठीक, तो मेडिसिन के फील्ड में भी हम लोग वर्चुअल सर्जरी नाम से एक चीज है जो पढ़ते हैं या देखते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को कैसे कैसे जो डिसीज है या जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फील्ड इज मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक रिसर्च। इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च मल्टीमीडिया आर मेनली यूज्ड फॉर मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस। फॉर एग्जांपल ए साइंटिस्ट कैन लुक एट ए मॉलिकुलर मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड मैनिपुलेट इट टू अराइव एट ए न्यू सब्सटेंस।
वर्चुअल रियलिटी यूजेस मल्टीमीडिया कंटेंट, देयर इज नो लिमिट टू एप्लीकेशंस एंड डिलीवरिंग परफॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया। तो साइंटिफिक या मैथमेटिकल रिसर्च में हम लोग देखते हैं कि मल्टीमीडिया का बहुत ज्यादा यूज है, खासकर की मॉडलिंग या सिमुलेशन वर्ड हम लोग जो सुनते हैं उसके लिए। जैसे कि साइंटिस्ट होता है, कोई मॉलिकुलर मॉडल है, उसको पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए बनाना या मैनिपुलेट करना चाहता है, तो वो सब न्यू सब्सटेंस को लाने के लिए, तो उसके लिए वर्चुअल रियलिटी को यूज कर सकते हैं हम लोग। इससे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं और ये जो है रिसर्च वर्क को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। फिर है नेक्स्ट आर्ट्स में, तो आर्ट या फाइन आर्ट्स में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज में देखे हैं मल्टीमीडिया का। इन द आर्ट्स देयर आर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हुज माइंड्स आर एबल टू ब्लेंड टेक्निक्स यूजिंग डिफरेंट मीडिया दैट इज सम वे इनकॉर्पोरेट इंट्रैक्शन विद द व्यूअर। तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि जो यूजर्स हैं या जो देखने वाले दर्शक हैं हमारे, उनके माइंड्स को ब्लेंडिंग टेक्निक को यूज करके इतना अच्छा इंट्रैक्शन करते हैं कि जो आर्ट जो हम लोग नॉर्मल जो आर्ट्स हम लोग दिखाना चाहते हैं उसकी जगह पे हम लोग उसको परफेक्शन के साथ में बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड इज एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन एजुकेशन मल्टीमीडिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेस एंड रेफरेंस बुक्स लाइक इंसाइक्लोपीडिया एंड एजुकेशनल वीडियोस। एजुकेशनिस्ट इज एन इनफॉर्मल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कंबाइनिंग एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, स्पेशली मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट। ठीक, तो एजुकेशन के फील्ड में भी हम लोगों ने मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। जो बुक्स होते हैं वो मल्टीमीडिया के फॉर्म में हमको मिलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज जो CBT कहलाते हैं, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, जो ऐसे हम लोगों ने YouTube में लेक्चर्स देखे हैं, या नॉर्मल किसी वेबसाइट्स में होते हैं जो कॉलेजेस वगैरह की वेबसाइट में, वहाँ से मिल ले सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या जूम ऐप जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है उसके थ्रू हम लोग जो टीचिंग करते हैं या लर्निंग करते हैं, तो वो सब मल्टीमीडिया में ही आते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर मल्टीमीडिया इज यूज एज ए वे टू हेल्प प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स सुपीरियर्स एंड का वर्कर्स को वर्कर्स। मल्टीमीडिया इज हेल्प ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वाया वर्चुअल अनलिमिटेड वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो इंडस्ट्रीज में ये सब जो है बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक, तो इंडस्ट्रीज में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग विजुअली शेयर होल्डर्स को या सुपीरियर्स को या को वर्कर्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, बहुत सारे ग्राफ और एनिमेशन के साथ में। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हम लोग वेब बेस्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रोडक्ट के जो ऑफर्स वगैरह होते हैं उसको हम लोग बहुत अच्छे से मल्टीमीडिया में यूज करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमेशन। तो एनिमेशन इज ए मेथड इन विच पिक्चर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस। इन एडिशन इन ट्रेडिशनल एनिमेशंस इमेजेस आर ड्रॉन और पेंटेड बाय हैंड ऑन ट्रांसपेरेंट सेलुलाइड शीट्स टू बी फोटोग्राफ्ड एंड एग्जिबिटेड टू ऑन फिल्म। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एनिमेशन का जो जो है एक मेथड है जिसमें हम लोग अपने पिक्चर्स को मूविंग इमेज में कैलकुलेट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। ठीक, तो पहले जैसा होता था कि ट्रेडिशनल एनिमेशन में क्या होता था कि इमेजेस जो है वो ड्रॉ किए जाते थे लगातार और इनको एक सेलुलाइड शीट में रखकर एक सीक्वेंस में चलाया जाता था। ठीक, टुडे मोस्ट एनिमेशंस आर मेड विथ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और CGI। कंप्यूटर एनिमेशन कैन बी वेरी डिटेल्ड 3D एनिमेशन वाइल 2D कंप्यूटर एनिमेशन कैन बी यूज्ड फॉर स्टाइलिस्टिक रीजन, लो एंड विथ और फास्टर रियल टाइम रेंडरिंग्स। ठीक, तो कंप्यूटर एनिमेशन भी हैं। पहले हम लोग देखते थे कि सिंपल जो ट्रेडिशनल एनिमेशन है उसमें हाथ से ड्राइंग किया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड एनिमेशन है जिसमें 2D और 3D इफेक्ट के साथ में ये सब अवेलेबल।
नेक्स्ट इज ए सिमुलेशन ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग ए सीरीज ऑफ पिक्चर और फ्रेम्स. कार्टून ऑन टेलीविजन इज वन एग्जांपल ऑफ एनिमेशन. एनिमेशन ऑन कंप्यूटर इज वन ऑफ द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन. देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनेबल यू टू क्रिएट एनिमेशन दैट यू कैन डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर. ठीक, तो जो एनिमेशन है वो एक सिमुलेशन प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग अपने पिक्चर्स को एक सीरीज में या एक फ्रेम में डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक, तो जैसे कि हम लोग छोटे बच्चों के कार्टून्स देखते हैं जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है एनिमेशन का. ठीक, तो एनिमेशन जो है कंप्यूटर के फील्ड का आज की डेट में देखें तो चीफ इंग्रेडिएंट्स यानी कि मुख्य तत्व बना हुआ है. ठीक, और प्रेजेंटेशन में आजकल ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन के साथ साथ में बहुत सारे एनिमेशनल प्रेजेंटेशन जो है वो यूज किए जाने लगे हैं. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन. तो एनिमेशन के जो टाइप्स हैं उसमें ट्रेडिशनल एनिमेशन है, 2D एनिमेशन है यानी कि 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन. लाइन से देखते हैं, ट्रेडिशनल एनिमेशन और क्लासिकल 2D एनिमेशन. ट्रेडिशनल एनिमेशन इन्वॉल्व एनिमेटेड ड्राइंग बाय हैंड फॉर ईच एंड एवरी फ्रेम. ट्रेडिशनल एनिमेशन इज क्रिएटिंग द ड्राइंग वन बाय वन ऑन द फ्रेम. 2D एनिमेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यूमेरियस ड्राइंग देन फीडिंग इनटू ए प्लास्टिक सेल्स हैंड पेंटिंग देम एंड क्रिएट द एनिमेटेड सीक्वेंस ऑन ए पेंटेड बैकग्राउंड इमेज. तो ट्रेडिशनल जो एनिमेशन है उसमें हाथ से ही हम लोग जो है फ्रेम्स क्रिएट करते थे, उसमें ड्राइंग किया करते थे और उस पर एक सीक्वेंस में चलाते थे. फिर आया डिजिटल 2D एनिमेशन. इसमें हम लोगों ने कंप्यूटर की हेल्प ली. ठीक, इसमें हमको बार बार उसको ड्राइंग करने की जरूरत नहीं होती. हम लोग फ्रेम को केवल कॉपी पेस्ट करते जाते हैं और उसके बाद उसको एक सीक्वेंस देते हैं. फिर है 3D एनिमेशन. 3D एनिमेशन में क्या होता है कि जो एनिमेशन हम लोग क्रिएट करते हैं वो 3D में होता है. ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग अनरियल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है 3D एनिमेशन को यूज कर सकते हैं. जैसे हमको कोई भगवान राम का या हनुमान का कोई इमेज दिखाना है तो वो पेंटिंग करने में जो है वो उतना रियलिस्टिक नहीं आता, लेकिन 3D एनिमेशन के थ्रू हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन. तो इसके कुछ प्रिंसिपल हैं ये देखेंगे हम लोग. सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है स्क्वेयर्स एंड स्ट्रेट. दिस एक्शन गिव द इल्यूजन ऑफ वेट एंड वॉल्यूम टू ए कैरेक्टर एज इट मूव्स. ऑल्सो स्क्वेयर्स एंड स्ट्रेट इज यूजफुल इन एनिमेटिंग डायलॉग्स एंड डूइंग फेशियल एक्सप्रेशन. तो जनरली हम लोग देखते हैं कि एक्शन में या कैरेक्टर्स को किसी अगर वो मूव हो रहा है तो वहां पर हमको वेट और वॉल्यूम देने के लिए इसको यूज किया जाता है. सेकेंड है एंटिसिपेशन. दिस मूवमेंट प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर ए मेजर एक्शन द कैरेक्टर इज अबाउट टू परफॉर्म सच एज स्टार्टिंग टू रन जंप और चेंज एक्सप्रेशन. ठीक, तो वहां पर जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो जब रन करना शुरू करते हैं या कोई जंप करने वाले होते हैं या एक्सप्रेशन जब उनमें चेंजेस होता है तो वो एंटिसिपेशन करते हैं. फिर है स्टेजिंग. ए पोज और एक्शन शुड क्लियरली कम्युनिकेट टू द ऑडियंस द एटीट्यूड मूड रिएक्शन और आइडिया ऑफ द कैरेक्टर एस इट रिलेट्स टू द स्टोरी एंड कम्युनिटी ऑफ द स्टोरी लाइन. ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं स्टेजिंग में ऑडियंस जो होते हैं उनके लिए एटीट्यूड मूड या रिएक्शन या फिर किसी आइडिया कैरेक्टर्स के आइडिया को लेकर उनको एक रिलेट करते हैं और एक स्टोरी के फॉर्म में उनको कंटिन्यूशन में डिस्प्ले करते हैं. फिर है स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज एनिमेशन. स्ट्रेट अहेड एनिमेशन स्टार्ट एट द फर्स्ट ड्राइंग एंड वर्क ड्राइंग टू ड्राइंग टू द एंड ऑफ स्क्रीन. फॉलो थ्रू द ओवरलैपिंग एक्शंस स्लो आउट एंड स्लो इन एस एक्शन स्टार्ट वी हैव मोर ड्राइंग नियर द स्टार्टिंग पोज वन और टू इन द मिडिल एंड मोर ड्राइंग नियर द नेक्स्ट पोज.
आर्क ऑल एक्शंस, सेकेंडरी एक्शंस, टाइमिंग्स, एक्सग्रेशन. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशंस. नेक्स्ट इज एनिमेशन एंड ग्राफिक्स पैकेज नेम फॉर 2D एंड 3D एनिमेशन. ठीक, तो मार्केट में बहुत सारे 2D और 3D एनिमेशन के लिए ग्राफिक्स पैकेज अवेलेबल है. अलग अलग इनकी कॉस्टिंग होती है. ठीक, जो मेन मेन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. सबसे पहले एडोब फ्लैश, फॉर्मली इट वॉज नोन एज माइक्रोमीडिया फ्लैश, दैट रिफर्स टू बोथ एडोब फ्लैश प्लेयर एंड द मल्टीमीडिया ऑथरिंग प्रोग्राम विच आर यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन लाइक वेबसाइट, गेम्स, मूवीज एटसेट्रा. इट हैज फीचर टू सपोर्ट बोथ वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स. एडोब फ्लैश इज एन आईडीई. नाउ इट इज द फ्लैश टेक्नोलॉजी इज यूज वेरी फ्रीक्वेंटली टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेबसाइट, एनिमेशन, एडवर्टाइजमेंट्स एटसेट्रा. ठीक, तो एडोब फ्लैश जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग पहले माइक्रोमीडिया फ्लैश के नाम से भी जानते थे. ठीक, तो आजकल हम लोगों ने देखा है कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मल्टीमीडिया के, जैसे वेबसाइट, गेम्स, मूवीज, इस सब में. तो एडोब फ्लैश जो है ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इसमें एक हमको आईडी मिलता है जिसमें हम लोग ये सब चीज़ें बना सकते हैं. नेक्स्ट है 3D स्टूडियो. 3D स्टूडियो इज एन 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम. इट इज रिलेटिवली इजी टू यूज. मेनी स्कूल्स एंड स्मॉल टाइम प्रोडक्शन स्टूडियोज यूज 3D स्टूडियो टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. 3D स्टूडियो इज क्रिएटेड बाय ऑटोडेस्क. ठीक, तो 3D स्टूडियो जो है ये भी एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है या पैकेज है जिसमें हम लोग एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं. तो आजकल के स्कूलों में जनरली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इसको जो है ऑटोडेस्क नाम की एक कंपनी ने डेवलप किया. फिर है 3D मैक्स. ऑटोडेस्क 3D मैक्स इज यूज फॉर 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन. इट इज वाइडली यूज इन TV, मूवीज, आर्किटेक्चर स्टूडियो एंड गेम डेवलपमेंट. तो ये भी जो है ऑटोडेस्क नाम की कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है. इसमें भी वो सारे फैसिलिटीज हैं. इसमें जनरली हम लोग वीडियो या मूवीज या आर्किटेक्चर जो है या गेम डेवलपमेंट, तो ये सब में हम लोग इसको काम में ले सकते हैं. नेक्स्ट है ऑटोडेस्क माया. ये बहुत ही फेमस जो है वो पैकेज है, या इसको हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड देखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो ये भी ऑटोडेस्क कंपनी का ही है. इसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि माया नाम का जो इसका प्रोडक्ट है उसमें हम लोगों ने जो विजुअल इफेक्ट देखे हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि हैरी पॉटर मूवी आप लोगों ने सुना होगा, उसका जो हाफ ब्लड प्रिंस नाम का एक सीरीज मूवी आया था, वो कुंग-फू पांडा, ट्रांसफॉर्मर, तो ये सब में हम लोगों ने इसका यूज देखा है. अगर इंडिया की बात करें तो हनुमान का एक आया था बाल हनुमान मूवी, तो उसमें भी ये देखा जाता है. या अभी कार्टून में हम लोग देखते हैं तो अगर आपने मोटू पतलू नाम का कार्टून कैरेक्टर देखा होगा तो वो भी जो है माया में ही क्रिएट किया गया है. फिर है नेक्स्ट वीरे. वीरे इज पॉपुलर रेंडरिंग इंजन सॉफ्टवेयर यूज इन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन. ठीक, तो ये जो है पॉपुलर है ये भी रेंडरिंग इंजन और ग्राफिक एनिमेशन क्रिएट करने के लिए. और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब जो है बहुत ही सिंपल और इजी इंटरफेस आपको देते हैं जिनको यूज करके आप आसानी से एनिमेशन क्रिएट कर सकते. तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे एडोब फ्लैश या फोटोशॉप या बाकी जो टूल्स हैं उसमें क्या पैकेजेस हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स हमको देखने को मिलेंगे. तब तक के लिए